बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही जबरदस्त और लाल गाजरे हैं और आपके सामने ये संतरे भी पड़े हुए हैं जिसको हम नारंगी कहते हैं, और बहुत ही प्यारा मौसम है। आपको पता है ये गाजर सर्दी की जो सौगात है, इसका आज हम जूस बनाएंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही जबरदस्त है। तो मेरे चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर ले। तो चले रेसिपी अपनी शुरू करते। रेसिपी तो नहीं है, ये इतनी प्यारी प्यारी चीजें हैं। ये सारी गाजरें आपको अच्छी तरीके से धो के और काट के दिखाएंगे, जूस कैसे तैयार करेंगे। आज दोनों का मिक्स जूस करेंगे और चले शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपने इसको जो है अच्छी तरीके से काट देना है। गाजरों को नीचे वाला जो इसका ये छिलका है, इसको अच्छी तरीके से काटना है। उसके बाद इसकी सफाई भी करेंगे, वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो गाजरें अलहमदुल्ला हमने काट चुकी हैं। अभी हम संतरों के जो है खाल उतारेंगे अच्छे तरीके से। और ये जूस जो हम बना रहे हैं बिल्कुल मिक्स बनाएंगे, संतरों का और ये गाजरों का मिक्स जूस बनता है। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से हम इसको जो है काटते हुए जाएंगे। देखें, पहले इसको हटका हल्का सा हमने कट दे रहे हैं, उसके बाद इसकी जो खाल है ना वो आसानी के साथ उतर जाती है। ये देखें, छुरी बिल्कुल तेज है। ये देखें इसकी खाल अभी आसानी से उतर जाती है। ये देखें बिल्कुल आसानी से इसकी खाल उतर जाती है। तो बाकियों को भी ऐसा ही। तो वृद्ध, जो गाजर ये थोड़ी सी मोटी है, हम इसको जो दो हिस्सों में कर रहे हैं ताकि मिशन मिशन में जाने के लिए आसानी हो। तो देखें, ये पतली गाजर है और बिल्कुल ताजी और फ्रेश गाजर आपने ले ली है। उसमें क्या होगा, तो आपका रस जो होगा ना वो अच्छा और ताजा और लाल निकलेगा, प्योर। तो अल्हम्दुलिल्लाह, देखें गाजर का जूस बहुत। अबू जान नहीं है घर पे, बाहर गए, वरना उनको भी हम टेस्ट करवाते। और ये आप अगर थोड़ा इसको ठंडा करने के लिए 5 मिनट रखेंगे तो और भी मज़ा देगा। ये तो नेचुरल चीज़ है ही है, डेली बेसिस पे आप अपने घर में पिया करें, इंशाल्लाह ताला सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं एक सिप इसकी लूँगा और आपको बताऊँगा कि इसका जायका कैसा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह, बहुत ही इसका जायका जो है ना नेचुरल जायका है। आपको पता है ये चीज़ें कुदरती हैं और कुदरत वाले ने हमारे लिए ये नेमत दी है बहुत बड़ी। हम अल्लाह पाक का कितना भी शुक्र अदा करें वो कम है।
जहीर अब्बास को दीजिए इजाजत, मुझे जरूर याद कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।